सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर किसी के पास भी टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V है या 200 भी है तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टायर से रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है। तो ये देखो, ये टायर आ चुका है, लेकिन ये कौन सा मैंने मंगवाया है और क्या साइज है, कितना प्राइस पड़ा है और कौन सा मतलब सेक्शन में लगवा रहा हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं अपनी बाइक का टायर के बारे में कि इसका जो ओरिजिनल टायर था, जो कंपनी फिटेड आया था, टीवीएस का रिमोरा टायर आता है, तो वो कितना हजार किलोमीटर चला है। और अगर आप जानना चाह रहे हो टीवीएस अपाचे 164V का जो ओरिजिनल टायर है वो कितने हजार किलोमीटर तक आप चला सकते हो, तो ये वीडियो आज उसी टॉपिक पर होने वाली है। तो अब करते हैं कैमरे को स्विच। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पास है टीवीएस अपाचे 164V। ये 2019 का मॉडल है, BS4 मैंने 2019 में लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका टायर कि इसके अंदर कौन सा टायर डला हुआ है और क्या सेक्शन है, और उसकी कंडीशन भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। सो यहाँ पर अब सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ टायर। तो ये है रिमोरा टीवीएस का, ये देखो, ये रिमोरा सीरीज का है, टीवीएस अपाचे के अंदर यही वाला आता है। सेक्शन है ये वाला 130/70/17 टायर है, और ये इसकी प्रोफाइल है, MC62P सेक्शन का टायर है। और अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर की बात करें, अगर यहाँ कुछ आ जाए ऐसा कुछ लिखा हुआ तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कब का बना हुआ है। तो इधर साइड तो कुछ ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, और लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन कि इसकी फिलहाल क्या कंडीशन हो चुकी है। तो ये देखो, बिल्कुल ये गंजा हो गया है, और पंचर इसके अंदर चार से पांच पंचर हुए होंगे। ये इसकी हालत है टायर की, कट आ चुके हैं और इवन थ्रेड भी दिखने लग गए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये देख रहे हो, तो ये थ्रेड की हालत है इसके। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लो कि ये कितना हजार किलोमीटर मैंने चला लिया होगा। तो अभी अब मैं आपको ऑडोमीटर पे रीडिंग भी दिखाता हूँ, और फ्रंट के अंदर भी टीवीएस रिमोरा ही लगा हुआ है, तो ये भी चेंज होगा थोड़े टाइम के बाद। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रीडिंग। तो इसे कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑन, और उसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये है इसकी ऑडोमीटर रीडिंग, 28,206 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुकी है, और एग्जैक्ट 28,000 मान लो कि ये इस टायर पे चल चुकी है इस कंडीशन में। और अगर मैं आपको रिकमेंडेशन की बात करूं तो आप इसे आराम से 25,000 से 26,000 किलोमीटर चला सकते हो ऑल टेरेन पे, जिसके अंदर आप इसे पहाड़ों पे, ऑफ रोड, ऑन रोड, मतलब किसी भी कंडीशन में चला सकते हो। सो गाइज, ये थी वीडियो टीवीएस अपाचे 164V का जो ऑफिशियल रिमोरा, टीवीएस रिमोरा टायर आता है, तो उसकी क्या माइलेज आपको मिलने वाली है अपनी अपाचे के अंदर। अगर आप इसे ले रहे हो बाइक को, तो कम से कम भी 25,000 किलोमीटर के आसपास ये चल जाएगा आपकी हर कंडीशन में। और मैंने ये 28,000 के आसपास चलाया, थोड़ा एक्सट्रीम ही चला लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको टायर की कि इसके अंदर मैं कौन सा टायर डलवा रहा हूँ, और वो वन ऑफ द बेस्ट टायर हो सकता है आपकी बाइक के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।